Hi guys, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 10 circles exercise 10.2 question number 2. If TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to options है हमारे पास A 60 degree, B 70 degree, C 80 degree and D 90 डिग्री। यह हमें एक डायग्राम गिवन है, इसमें हमें एंगल POQ गिवन है, दिस एंगल 110 डिग्री, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल PTQ, राइट। अब देखो, तुम्हें पता है कि PT और OP ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट रेडियस के साथ जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री बनाती है, तो एंगल OPT, दिस एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे बिकॉज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए 90 डिग्री। अब हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे OPTQ, राइट। और उस क्वाड्रिलेटरल में हम प्रॉपर्टी क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें एंगल POQ पता है 110 डिग्री हो गया, OPT भी पता है 90 डिग्री है और OQT भी पता है 90 डिग्री और PTQ हमें फाइंड करना है। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, दैट इज 290 प्लस PTQ दैट इज इक्वल टू 360। 290 को इधर ले जाएंगे तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290 और हमारे पास जो एंगल PTQ आ गया उसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। सो B इज द राइट आंसर। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर देना।